कोसी कला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कुत्ते काटे का इंजेक्शन न होने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला बुधवार को, जहां एक महिला अपने बच्चे को कुत्ते काटने का इंजेक्शन लगवाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। यहां पर 10 बजे तक डॉक्टर भी नहीं उपस्थित थे। जब महिला ने डिस्पेंसरी पर बात की तो उसे ये कहकर भागा दिया गया कि इंजेक्शन नहीं है, खत्म हो गए हैं, जब आएंगे तब लगा दिए जाएंगे। अब सवाल यही खड़ा होता है कि इंजेक्शन आखिर खत्म कैसे हो जाते हैं? क्या इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रोजाना कुत्ते काटे और बंदर काटने वाले लोगों की भरमार रहती है? ऐसा तो संभव नहीं है। तो अब सवाल यही है कि कुत्ते काटे के इंजेक्शन आते हैं तो आखिर जाते कहाँ हैं? क्या कहीं इनका कोई रिकॉर्ड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रजिस्टरों में इंद्राज किया जाता है? अगर इंद्राज किया भी जाता है तो इंजेक्शन लगवाने वाले के साइन क्यों नहीं कराए जाते? ये वो सवाल हैं जो सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों की पोल खोलते हुए नजर आते हैं। क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली हो? कुत्ता खा गया कुत्ता? हाँ, क्या बोले? फिर आपने क्या कहा? और डॉक्टर मिले कोई? मिलेगा जी, मेडिकल वाले ने पहले नहीं कर दे। डॉक्टर बनाने का डॉक्टर है या नहीं? नहीं तो पता ना, डॉक्टर है ही नहीं है। तो आप डॉक्टर नहीं आए? कुर्सी खाली? हाँ। कब खाया कुत्ता? रात खाया 9 बजे। तो उन्होंने क्या बोला, क्या आश्वासन दिया मेडिकल वालों ने कि इंजेक्शन आएंगे कि नहीं आएंगे, कब लगेंगे? इंजेक्शन है ही नहीं है। अच्छा, इंजेक्शन लग ही ना रहे, खत्म हो गए इंजेक्शन, खत्म हो गए? कब खत्म हो गए कुछ बताए? अच्छा, इसको बच्चे को खा गया था? क्या नाम है? बच्चू। कहाँ के रहने वाले हो? सपाने का। हाँ, कैसे आए अस्पताल में? कुत्ता खा गया था इसलिए आया। हाँ, फिर इंजेक्शन क्यों नहीं लगवाया? इंजेक्शन ही नहीं करे, बच्ची ने काटे ना, बोले इंजेक्शन नहीं है। इंजेक्शन नहीं है? हाँ। इंजेक्शन नहीं है, कब खत्म हो गए? 5-6 दिन खत्म हो गए। क्या नाम है? बच्ची। कहाँ से आयो? कुर्सी कला कॉलोनी। अच्छा, इस सरकारी अस्पताल में आप क्यों आयो, कैसे आए? दवाई लेने आए। किसके लिए? लड़की के लिए। हाँ, फिर क्या हुआ? दवाई बाजार से दवाई लिख दी है। क्यों, यहाँ क्यों नहीं है दवाई? दवाई है नहीं यहाँ पे। मतलब क्या बोल रहे हैं? दवाई मेडिकल से लो। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का।